अहो जेव्हा तो गोविंदा जेव्हा सुपरहिट होता तेव्हा तो आमच्याकडे होता, आता बाजूला केलेला माल आहे, आता तो कोणाकडे जाऊ दे ना, आम्हाला काय करायचं सर? आज सर प्रचार साहित्य, प्रचार के विषय क्या होना चाहिए, वो कुछ किस रूप में सामने आने चाहिए, कौन सी घोषणा होनी चाहिए, कि जैसे उन लोगों ने कहा था बस हुई महंगाई के मार, तो हम पूछ रहे अब क्यों चाहिए मोदी सरकार, तो ऐसा सवाल जवाब क्या आएगा उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। वंचित बहुजन को लेकर चर्चा हुई है? बिल्कुल चर्चा हुई है, हम अभी तक अंबेडकर साहब को कह रहे हैं कि आप आ जाओ, आपका स्वागत है, बैठ के फिर से समझौता उसके ऊपर कर लेंगे। महाराष्ट्र के और देश के हित में नहीं है कि अंबेडकर साहब जो संविधान के विरोधी में काम कर रहे हैं उनको फायदा होने के लिए अगर कुछ हम करेंगे तो आने वाली जनरेशन हमको, नस्ल हमको माफ नहीं करेगी सर। लेकिन अंबेडकर साहब की तरफ से जो ट्वीट हुआ है उसमें ये जो है सवाल किया गया है कि जो लास्ट 4 सीजन में वर्ली में मीटिंग हुई, ऐसा है, छोटी छोटी बातें नहीं जा रहा है, छोटी छोटी बातें हैं उसमें, किस मीटिंग में बुलाया नहीं गया, किस मीटिंग में बुलाया गया, ये कोई चर्चा का विषय नहीं होता है। अंबेडकर साहब बहुत बड़े नेता है, हम मीटिंग किसकी होती है, हम लोग बैठते हैं, हम लोग छोटे छोटे जो कार्यकर्ता है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष है उन लोग बैठते हैं। अंबेडकर जी का स्तर बहुत बड़ा है, लेकिन उनके प्रतिनिधि को भी नहीं जगह दी जा रही है। ऐसा है कि उनको हम सब फोन करके बताते हैं कि ये हुआ, ऐसा हुआ, क्या होने वाला है, तो ये सब खबरें हम देते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम अंबेडकर जी को कुछ बताते नहीं है, हमको छुपाने जैसा हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारा खुला पत्ता है, खुली किताब है हमारी, हम लोगों को छुपाना कुछ नहीं है, हमको सिर्फ ये बताना है कि अंबेडकर जी राष्ट्रहित में संविधान बचाने के लिए, इस देश का गणतंत्र बचाने के लिए आपको सभी को एक साथ होके जो संविधान विरोधी है उनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, ये आज के वक्त की जरूरत है। लिस्ट जारी होने के बाद गोविंदा के ज्वाइन करने को लेकर, जिस जमाने में गोविंदा हिट था, जब सुपीरियर हिट एक्टर था, तब वो कांग्रेस के पास था, अभी वो रिटायर्ड खिलाड़ी हो गया है। रिटायर्ड क्रिकेटर भी किधर भी जाए तो थोड़ी किसी को चिंता होती है, विराट जाएगा तो चिंता है ना, रिटायर्ड आदमी किधर भी चले जाता है। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा, तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।